है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा क्लिनिकल पैथोलॉजी का पेपर, जो दोस्तों 2017 अप्रैल का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं पुराने पेपर को देख के। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका है DMLT पास करने का, क्लियर करने का। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका स्टडी के अंदर दोस्तों आपका नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों हर एक पुराने पेपर के दोस्तों वीडियोस लाऊंगा और दोस्तों आपको मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, राइट अबाउट यूरिन एनालिसिस इन क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी। जी हाँ दोस्तों, यूरिन के बारे में इसके अंदर पूछा गया है, यूरिन एनालिसिस के बारे में। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड एंड बोन मैरो स्मेयर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर प्रिपेयर स्टेनिंग जो पेरिफेरल ब्लड जो होता है दोस्तों वो आपको बताना है बोन मैरो के अंदर। और दोस्तों आप देख सकते हैं प्रिपरेशन एंड यूजर ऑफ वेरियस कंपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो हमारे ब्लड बैंक के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, ये आपको ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर बताना है। दोस्तों आप देख सकते हैं 14-14 नंबर का है दोस्तों ये क्वेश्चन। और दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ऊपर देख सकते हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग डिप्लोमा कोर्स एग्जाम अप्रैल 2014। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मैं पुराने पेपर दोस्तों हर एक क्वेश्चन पुराने काफ़ी पेपर दोस्तों अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, उनको बता बता कर दोस्तों आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेटर करूँगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ CSF। जी हाँ दोस्तों, CSF के एग्जामिनेशन के बारे में बताना है दोस्तों। जो CSF होता है दोस्तों, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स जो हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है और स्पाइनल कोड के चारों ओर पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसी का एग्जामिनेशन बताना है, इसके अंदर एग्जामिनेशन के बारे में पूरा बताना है। फिजिकल केमिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, ये फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं 14-14 नंबर के है दोस्तों। अगर आप गत 5 साल के दोस्तों अगर पेपर भी अगर सॉल्व कर लेते हो DMLT के अंदर, तो दोस्तों आपको किस प्रकार से पेपर देना है, किस प्रकार से आइडिया हो जाता है दोस्तों, इन पेपर को आप सॉल्व कीजिए, 100% आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट, सिकल सेल एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया का, तो आपको दोस्तों ये भी आपको बताना है इस टेस्ट के अंदर, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों ये भी है वो भी क्वेश्चन 14 नंबर का ही। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी फोर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर कोई भी चार करने होते हैं दोस्तों आपको। वैसे तो क्वेश्चन दोस्तों आपको कभी छोड़ के नहीं आना है दोस्तों, एक क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर नहीं आता है तो उसके रिलेटेड कुछ आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और दोस्तों ऐसे में आपके नंबर आने के चांसेस भी बढ़ते हैं दोस्तों। किस प्रकार आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, हर एक चीज़ जो इस YouTube चैनल के ऊपर आएगा दोस्तों, उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। शॉर्ट नोट के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है वो आपको बताना है। फिर एली सेल्स टेस्ट बताना है दोस्तों आपको। फिर जो रेटिकुलोसाइट काउंट, जी हाँ दोस्तों आपको वो बताना है। फिर सी के अंदर दोस्तों जो दोस्तों क्वेश्चन होता है 6 वाला, वो इस टाइप से आता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है ये चैनल दोस्तों। डिटर्मिनेशन ऑफ ESR आप देख सकते हैं। और उसके बाद में ब्लड ग्रुपिंग। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, पर दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश ही करूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब